या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए देवी ब्रह्मचारिणी मैया की जय। भक्तों, माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूजा पावन स्वरूप है देवी ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्ति और सिद्धि को देने वाला तथा अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। नवरात्र के दूजे दिवस माँ के ब्रह्मचारिणी रूप का पूजन मनन करने से मनुष्य को तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार की प्राप्ति होती है। मनुष्य में संयम जाग जाता है भक्तों, तथा उसकी बुद्धि माता की भक्ति में लग जाती है। इससे मनुष्य के जन्म जन्म के संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार फिर बोलिए, बोलिए मैया ब्रह्मचारिणी की जय। सृष्टि में जयकार है, हो रही बारंबार है, ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यालो, सबका बेड़ा पार है। भक्तजनों, ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। माँ दुर्गा के इस दूजे स्वरूप का रूप अत्यंत ज्योतिर्मय है और अत्यंत भव्य भी है। माँ के शीश पर स्वर्ण का मुकुट सजा हुआ है भक्तों। माँ श्वेत परिधान में सुसज्जित है। माँ के एक हाथ में जप माला है तथा दूजे हाथ में कमंडल है, जो यह दर्शाता है कि जब भी मनुष्य तप करे उसके हाथ में जपमाला और कमंडल होना चाहिए। माँ का यह स्वरूप किसी योगिनी और तपस्विनी जैसा प्रतीत होता है। माँ के इस स्वरूप की उपासना भक्तजनों के मनों को अपार शांति प्राप्त करती है तथा उनके रोग शोकों को नष्ट करती है। श्वेत वस्त्र धारे मैया ने शीश पे मुकुट सजाया है, शीश पे मुकुट सजाया है, योगिनी और तपस्विनी सा रूप माने बनाया है, रूप माने बनाया है। एक हाथ में जपमाला है, दूजे कमंडल धारा है, दूजे कमंडल धारा है, माँ के चरणों में झुकता है, ये सारा संसार है, ये सारा संसारा है। शांत रूप अवतार है, शांति तो अपार है, ब्रह्मचारिणी माँ को ध्यालो, महिमा परंपार है। जनों, पूर्व जन्म में जो माँ सती थी वही इस जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में पुनः अवतरित हुई। माँ पिता ने बहुत ही प्रेम से पुत्री का लालन पालन किया, परंतु पुत्री के मन में तो भगवान शिव को वरण करने की लगन लगी हुई थी। सखियों संग खेल खेलते हुए भी माँ मिट्टी से भगवान शंकर की आकृतियां बनाती रहती। माँ ने लाख समझाया, पिता ने लाख समझाया, परंतु पुत्री के मन में केवल एक लगन थी कि वो शिवजी से ही विवाह करेंगी। माँ बाप ने बालापन समझकर पहले तो बात हंसी में उड़ाई, परंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि ये नाता इस जन्म का नहीं आपितु जन्मों जन्म का है। बालापन से शिव को पाऊं, मन में लगन लगाई है, मन में लगन लगाई है, दिन रात शिव जी को ध्याती, देखो गौरा माई है,
शर्म आई है। माँ बाप ने हंसी हंसी में देखो बात उड़ाई है, देखो बात उड़ाई है। पर वो क्या जाने भक्तों माँ शिव जी की परछाई है, शिव जी की परछाई है। पर ये वो ना जानते जन्म जन्म का प्यार है। ब्रह्मचारिणी रूप को ध्यालो सबका बेड़ा पार है। परंतु जैसे जैसे उमा बड़ी होती गई, शिव के प्रति उनकी लगन और भी बढ़ती चली गई। भक्तों अब माँ बाप को चिंता सताने लगी। एक पंडित को बुलाया और तीनों लोकों में भिजवाया कि गौरा हेतु कोई योग्य वर मिले तो उसका पता शीघ्र लाओ। राज पंडित जो ही जाने लगा, मार्ग में उन्हें गौरा ने रोका और बोला, हे पंडित, आपका भ्रमण व्यर्थ है, क्योंकि मैं तो तन मन और धन से शिव जी को अपना मान चुकी हूँ। माँ बाप समझाते रहे परंतु गौरा ने एक न सुनी। और अब समय आ गया था भक्तों कि माँ अपने शैल पुत्री रूप को छोड़कर ब्रह्मचारिणी रूप को धारण करे। ब्रह्म ऋषि नारद के कहे अनुसार अब माँ को शिव को पाने हेतु घनघोर तपस्या जो करनी थी। माँ गौरा ने शिव शंकर की कठिन तपस्या ठानी है, कठिन तपस्या ठानी है। लाख मनाया माँ बाबा ने पर गौरा ना मानी है, पर गौरा ना मानी है। श्वेत वस्त्र धारण की माँ ने निर्जन स्थान पे आई है, निर्जन स्थान पे आई है। शिव शंकर की अलख जगाने वन में देखो माई है, वन में देखो माई है। मन में गंगा धार है, हृदय करुण आधार है। ब्रह्मचारिणी रूप को ध्यालो सबका बेड़ा पार है। शिवाय का जप करते करते पूरे 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। भक्तों माँ ने इन 1000 वर्षों में केवल एक समय फल फूल का सेवन किया और अपना जीवन यापन किया। परंतु भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए। पिता हिमाचल और माँ मैना रानी ने, सप्त ऋषियों ने गौरा को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वे सब निराश लौट आए। अगले 100 वर्ष मैया ने भूमि पर उगी घास खाकर भगवान शिव का आराधन किया, परंतु अब भी चंद्रमौली शिव ने दर्शन नहीं दिए। माँ का श्वेत वर्ण काला पड़ने लगा। भक्तों काया क्षीण होने लगी। अब माँ खुले आकाश के नीचे आ गई और एक पांव पर खड़े होकर दोनों हाथ हवा में नमन मुद्रा में रखकर भगवान शिव का घनघोर तप करने लगी। माँ अब केवल धूप और वर्षा का पानी पीकर जीवित रहती थी। सभी देवी देवताओं ने कहा, हे माँ, आप जैसा तप न तो आज तक किसी ने किया है और न ही भविष्य में कोई कर पाएगा। टूटे बिल्व पत्र खाती है, वर्षा पानी पीती है, वर्षा पानी पीती है। एक तपस्विनी के रूप में मैया गौरा जीती है, मैया गौरा जीती है। धूप का सेवन करती रहती, हवा को ही आहार किया, हवा को ही आहार किया। इसी तरह कई वर्षों तक तो तप का फिर संचार किया, तप का फिर संचार किया। खाना पीना छोड़ दिया, रहती निराहार है। ब्रह्मचारिणी रूप को ध्यालो सबका बेड़ा पार है। सृष्टि में जयकार है,
ऐसा घनघोर तप न तो किसी ने सृष्टि में आज तक देखा था और न ही आगे देखने वाला था भक्तों। इस घनघोर तप के कारण माँ का शरीर एकदम क्षीण पर गया। सभी देवी देवता ऋषि मुनि माँ की शरण में आ गए भक्तों और माँ से अपना तप समाप्त करने को कहने लगे। सभी ने कहा, हे माँ ब्रह्मचारिणी, आप जैसा तप तो नहीं इस सृष्टि में कहीं हुआ है और नहीं कहीं होने वाला है। सभी ने एक बार फिर मिलकर चंद्रमौली शिव भगवान को भी समझाया कि हे प्रभु, यह जो अपर्णा आपका घनघोर तप ब्रह्मचारिणी बन कर रही है, यही तो पूर्व जन्म में आपकी भार्या सती थी, कृपया इसका वरण कीजिए। सबके मनाने पर भगवान शिव ने माँ के तप को पूर्ण किया, उन्हें दर्शन दिया और उनके संग बड़ी धूमधाम से विवाह किया। तो बोलिए मैया ब्रह्मचारिणी की जय। देवी देवता ऋषि मुनि ने भोले को समझाया है, भोले को समझाया है, जो तप करती है आपका यही सती महामाया है, यही सती महामाया है। सबके समझाने पर शिव ने इन संग ब्याह रचाया है, इन संग ब्याह रचाया है। शिव गणों ने आरती गाई, चंदन तिलक लगाया है, चंदन तिलक लगाया है। होती जय जयकार है, खुशियों की बाहर है, ब्रह्मचारिणी माँ को ध्याओ, महिमा परम्पार है।